परमात्मा पुरुषोत्तम श्री राम की भक्ति में डूबी चित्रकूट की धरती की यह सुनहरी सुबह आपको मंत्रमुग्ध कर देगी जब आपको यहाँ की संपूर्ण सुषमा और वैभव का दर्शन मिलेगा। हम आपको मिलवाते हैं कैसे संत से जो बताएंगे कि चित्रकूट का वर्णन किन किन ग्रंथों में और कहाँ कहाँ पर है। सुवर्णकूटम रजिताभिकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम अनेककूटम बहुवर्णकूटम श्रीचित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। चित्रकूट का वर्णन कहाँ तक कोई कह सकता है। गोस्वामी जी ने लिखा कि महिमा कहिय कवन विधितासु सुख सागर जहाँ कीन निवासु। कौन महिमा कह सकता है यहाँ चित्रकूट की, जहाँ सुख सागर स्वयं आकर के निवास किया हो। और इसीलिए वाल्मीकि ने बताया था श्री रामचंद्र जी को निवास स्थान कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। आप चित्रकूट पर्वत पे जाकर के निवास करिए, वहां पर आपको हर प्रकार से हर सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये तो चित्रकूट का वर्णन तो पद्म पुराण के अंतर्गत व्यास जी ने भी किया है, और जैसा कि उन्होंने लिखा श्रीमद् भागवत के 89 श्लोक में, इतिहास मिमम पुण्यम शांडिल्योपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः। इतिहास मिमम पुण्यम, ये श्रीमद् भागवत का जो पुण्यमयी इतिहास है, शांडिल्य ऋषि यहाँ कामदगिर पर विराजमान होकर के हमेशा पाठ करते रहते हैं, पारायण करते हैं, जो ब्रह्मानंद में हमेशा निमग्न रहते हैं। बोलिए श्री चित्रकूट धाम की जय। आज हम आप पहुँचे हैं भरत मिलाप। विश्व में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ भगवान राम से छोटे भाई भरत को ज़्यादा तरहीज दी जाती है। इसलिए तरहीज दी जाती है कि भरत चित्रकूट आए, राम उनके पहले आए थे और वो वनवास में आए। भरत राम को मनाने आए, अवध की सत्ता को यहाँ पर फुटबॉल की भांति उछाला गया। यह भूमि द्रवित होकर बिखर गई। हम आपको आगे बताएंगे कि यहाँ पर यह भूमि द्रवित होकर कैसे पिघली, कैसे राज सत्ता अयोध्या की अपने आप फुटबॉल की भांति यहाँ बिखरती हुई दिखाई दी। महाराज जनक, सुसेण, रानियों ने, सभी ने राम को मनाने का प्रयास किया, मगर राम थे कि वह माने ही नहीं। उन्होंने अपनी चरण पादुका भरत जी को दी और कहा कि आप जाकर राज करें, लेकिन भरत भी इतने तपस्वी थे कि वह अयोध्या में रह कर नंदीग्राम में रहते थे और पूरा राजपाट वो भी एक तपस्वी की भांति महाराज शत्रुघ्न को देखना पड़ा। छवि नवनी
जगह है ऐसा है जब भगवान राम वनवास के समय यहाँ आए हैं तो चित्रकूट में इस कामदगिर पर्वत पर निवास किए। ऐसा बताते हैं कि जब भगवान राम मिले तो उनके मिलन से ये पृथ्वी पिघल गई। उस समय जब भगवान राम त्रेता में आए हैं तो आज की परिधि में वो बताते हैं कि भगवान राम का और भरत जी का स्नेह क्या था। जैसे कहते हैं कि देख द्रवहि सुनि कुलिस पसाना और परिजन प्रेम न जाय बखाना। भगवान राम के मिलन से पाषाण भी पिघलने लगते हैं। ये भाई भाई का प्रेम और ये उनके मिलने की जगह है ऐसा बताते हैं मनीषी विद्वान। वाल्मीकि रामायण में है और ये आपके रामचरितमानस में है कि बरवस लिए उठाए और लाए कृपा निधान और भरत राम की मिलन लख बिसरे सब ही पान। जिस समय भगवान मिले उनके मिलन से ये पत्थर पिघल गए। कहीं एड़ी है, पंजा है, घुटना है, विनय पत्रिका में दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ये राम जी का स्पर्श चरण बना हुआ है, ये गौर से देखेंगे पूरा एणी पंजा घुटना। जैसे भरत जी यहाँ से गिरते हैं कि पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई और भूतल परे लकुट की नाई। जब लठिया सरीखे गिर जाते हैं तो राम जी को अपनापन भूलता है। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनतीरा। गीता में भगवान कहते हैं कि जड़ में हूं चेतन में हूं। जब भगवान राम अपने को भूल गए तो पृथ्वी भी जड़ता को छोड़ दी। उन्हीं के ये पद चिन्ह हैं। आज भी भरत यात्रा यहाँ अयोध्या जी से आती है, मिलन होता है, पादुका देते हैं। इसमें भरत राम के पद चिन्ह हैं एड़ी पंजा घुटना, इसमें महारानी सीता जी का चरण है। मिली सकल सासु से जाई तेह अवसर करुणा मई छाई, भेटी भेटी लखन ललक लघु भाई, कर प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीत कहत कब ही न हो लासु। ये भगवान राम और भरत जी के मिलन की जगह है। ये महारानी जी का चरण है, सास बहू का मिलन है, उसमें लक्ष्मण और शत्रुघ्न के हैं। ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न के हैं। भेंटे उ ललक लखन लघु भाई अब बहुर निषाद लीन उर्लाई। ये भगवान राम और भरत जी और लक्ष्मण जी के ये पद चिन्ह है। एड़ी है, पंजा है, घुटना है, जैसे आप गौर से देखें ये मिलन की जगह है। चित्रकूट में ये प्रामाणिक और पौराणिक जगह है। कहीं चित्रकूट में ऐसा भाई भाई के प्रेम की जगह है नहीं। एक यही जगह है जो आज भगवान राम के और भरत जी के स्नेह का प्रेम का प्रतीक बताती है। ये वही जगह है। ऐसे आप घूम के आई पद चिन्ह जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदा सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा अनु परम पुण्य प्रतीक है। अब आपको हम फिर छोड़कर जाते हैं एक बार उसी चित्रकूट वैभव के पास जो संत तुलसीदास जी ने लिखा था। जहां बन पावनु सुहावनु बिहंग मृग देखी अत लगते आनंद खेत खूट सो सीताराम लखन निवास बास मुनि ने को और सिद्ध साधु साधक सब विवेक बूट सो और झरना झरत झारी शीतले पुनी तिवारी अरे मंदाकनी मंजलु महेश जटा जूट सो तुलसी जो राम सो स्नेह साचो चाहिए से ये स्नेहिये बिचित चित्रकूट को। बोलिए चित्रकूट धाम की जय। चित्रकूट की शोध परक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।